हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली चाइना जो है ये एक डैम जो है, नई डैम जो है कंस्ट्रक्ट कर रही है ऑन द माब्जा जेंगबो रिवर। तो ये टिबेट में है, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे माब्जा जेंगबो रिवर जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो है यारलोंग सेंगपो जो है रिवर, जिसकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना में यारलोंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। यहाँ पे कैसी कैसी कॉन्सर्न यहाँ पे हो सकती है जो चाइना डैम बना रही है, और इसमें चाइना की मेन एम क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर इंडियन जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चाइना जो है एक नई डैम जो है माब्जा जेंगबो रिवर जो टिबेट में है वहां पे बना रही है, और ये जो डैम है एक्चुअली एक ऐसे लोकेशन पे है जो ट्राई जंक्शन पॉइंट कहा जाता है इंडिया नेपाल और टिबेट की। तो ये जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ये अगर देखा जाए जो ऑपोजिट ऑफ द कालामानी एरिया है, बहुत ही थोड़ी कंट्रोवर्सी में रहती है बिकॉज ऑफ द इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू की वजह से। इससे जो है 16 किलोमीटर नॉर्थ में है, और ये जो डैम बनाया जा रहा है माब्जा जेंगबो रिवर, जो बेसिकली एक गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। तो बहुत सारे ऐसे रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, काली या फिर ऐसे। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली पहली बार ये नोटिस में आई थी आज से लगभग 1.5 साल पहले, मई 2021 में। तो ये एक्चुअली जो बुरांग काउंटी है टिबेट में, वहां पे एक्चुअली उसको बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक काफी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। तो इसकी लोकेशन को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हो गया उत्तराखंड, इंडिया का पार्ट, ये नेपाल, और ये जो तिब्बत यानी कि चाइना हो गई। तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट जो कालापानी, तो यहां से जो अगर बात करेंगे लगभग 16 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि इस एरिया में जो है जो ये डैम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो देखिए, ये डेवलपमेंट जो काम जो हो रही थी चाइना की, एक्चुअली प्लान है 2021 में ही उन्होंने उसको जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। जो यारलोंग जेंगबो रिवर है वहाँ पे मैसिव डैम बनाया जा रहा था लगभग 70 गीगावाट पावर जो है जनरेट करने के लिए। अभी यारलोंग जेंगपो, आपको नाम से कंफ्यूजन नहीं करना है, तो हमारे देश की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको ही यारलोंग जेंगपो चाइना में बोला जाता है। टोटल जो लेंथ है ब्रह्मपुत्र की 2880 किलोमीटर, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको होनी चाहिए। तो ये जो है एक ट्रांस बॉर्डर रिवर है जो अलग अलग देशों से होके जाती है। तो मानसरोवर लेक में जो आंगशी ग्लेशियर है वहां से ब्रह्मपुत्र की ओरिजिन होती है। चाइना के अंदर लगभग 1700 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, जिस वहां पे उसको नाम दिया जाता है यारलोंग सेंगपो। जब इंडिया में ये आती है, ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में इसकी टोटल लेंथ जो है 920 किलोमीटर, और बांग्लादेश में इसकी जो लेंथ आती है 260 किलोमीटर। इसकी इंपोर्टेंस को देखा जाए तो 30% फ्रेश वाटर रिसोर्सेस मौजूद है, और 40% भारत की हाइड्रो पावर पोटेंशियल सिर्फ ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही कैरी करती है। तो इसको मैप में अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट से इसकी ओरिजिन होती है, पूरा ये जो है चाइना के अंदर से आती है लगभग 1700 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है यारलोंग सांगपो, यही ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है तो इसका नाम चेंज होके अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका नाम होता है दिबांग। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग होता है। जब आसाम में एंट्री होती है इसकी नाम इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र। तो थ्रू आउट आसाम ये जब ट्रेवल करके इस पॉइंट से जो है ये बांग्लादेश में एंट्री कर देती है, और यहाँ से आप देख सकते हैं तीस्टा रिवर जो है ब्रह्मपुत्र के अंदर आ रही है यहाँ पे। तो यही ब्रह्मपुत्र जो है जब बांग्लादेश में एंट्री करती है, इसकी नाम बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना रिवर। तो जमुना रिवर और यमुना में आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है, इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ही जमुना बोला जाता है। और एक चीज देखिए यहाँ पे कि यही जमुना रिवर जो है आपके गंगा जो है उसके साथ मिलके जो है बाद में बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी जाननी चाहिए। मेजर कंसर्न अगर देखेंगे यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ द वाटर, चाइना जो है पानी के ऊपर जब डैम बना रही है तो उस रास्ते जब डैम बनाएगी कंट्रोल अपने ऊपर रखेगी, यहाँ पे जब मन किया उन्होंने
डैम की वाटर को रोक दिया, तो आउटफ्लो यहाँ पे कम हो गया, जब चाहा वहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो फ्लड हो सकते हैं। तो डोमिनेंस जो है चाइना के पास खुद रख सकती है। इसी जगह पे चाइना जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है कैरी कर सकती है। पास्ट में भी ऐसा किया था उन्होंने यारलोंगजांगपो रिवर में जो अरुणाचल प्रदेश की, कि हम लोग की डैम की सेफ्टी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है मेनली एक्चुअली सिक्योरिटी के हवाले दे के जो एक्चुअली वाटर स्कार्सिटी से क्रिएट कर सकती है या फिर मिलिटरी एस्टेब्लिशमेंट भी बनाना चाहती है। तो वाटर स्कार्सिटी एज ए जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे वाटर को स्टोर किया जा सकता है और बहुत सारे रीजन पे जो है वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, वही जो उन लोग माब्जा जेंगबो रिवर पे प्लान कर रहे हैं। तो अगर बात करेंगे, यही चाइना का एक टेक्निक होती है जिसके हिसाब से चाइना जो है बॉर्डर एरियाज में डैम बना के अपने डिस्प्यूटेड एरियाज को क्लेम कर सकते हैं कि ये एरिया हमारी ही है। तो डेफिनेटली मान लीजिए कि एरिया जो है उनकी ही पास है यहाँ पे, लेकिन जब भी एक डैम बनाया जाता है सिक्योरिटी का हवाला देके दूसरे देशों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। बिकॉज अगर मान लीजिए ये रिवर इस थ्रू आ रही है और इस जगह पे डैम बना दिया, तो बहुत सारे कंट्रोल किया जा सकता है। और तब क्या होगा कि बाकी देशों को जो है जो एसोसिएटेड है उनको जो है कुछ कंडीशंस माननी पड़ेगी, और यही जो है चाइना डिस्प्यूटेड एरिया को क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे देखें कि चाइना वाटर जो हाइड्रो हेजेमनी को एम भी कर सकती है इस हिसाब से। इससे पहले भी चाइना ने अलग अलग जगहों पे काफी डैम्स या फिर डाइक्स बनाए थे, जैसे कि रिवर इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग जो रिवर, वहां पे भी काफी डैम्स बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे हजारों डैम्स अगर देखा जाए उन लोग बनाते हैं, जब मन किया उन्होंने पानी को छोड़ दिया, जो स्टोरेज पानी जो डैम को एक्चुअली एक जो कैनल के थ्रू रिवर को जाने दिया जाता है, और इस कैनल को एक्चुअली बहुत हाइट तक इसको रखा जाता है। तो ये पानी का जब बहाव आगे जाती है और जब उसको छोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक कन्वर्ट होती है। और अगर इसको यहाँ पे विदाउट एनी नोटिस छोड़ा गया तो ये फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो अगर इसको जो है बहुत दिनों तक स्टोर करके रखा गया, किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करके छोड़ा गया, तो क्या हो सकता है कि ये रिवर की आउटफ्लो यहाँ पे कम हो जाएगी, तो वाटर स्कार्सिटी भी हो सकती है, ड्राफ्ट जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो रिवर की एक तो खुद की इकोसिस्टम खराब कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एग्रीकल्चर उसको डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के ऊपर, चाइना ने अब तक जो है 4 डैम्स की प्लान करके रखा हुआ है। इंडिया ने कंप्लेन तो किए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, चाइना यहाँ पे सुन नहीं रही है। एक चीज देखिए कि जब भी एसोसिएटेड एक रिवर के ऊपर डैम बनाए जाते हैं तो हाइड्रोग्राफिक जो डेटा है वो शेयर करनी चाहिए, लेकिन चाइना ये सब इंडिया के साथ नहीं करती है, ये सब चाइना जो है बांग्लादेश के साथ बिल्कुल करती है। क्योंकि देखिए एक चीज कि यहाँ पे अगर पानी जब छोड़ना हो, कितने पानी आएगी, ये विद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि इंडिया भी प्रिपेयर कर सके। और यही जो है चाइना एज ए शॉक करती है, और इसके हिसाब से आसाम या बहुत सारी जगहों पे फ्लड जैसी सिचुएशन आते हैं, बिकॉज लोग जो है प्रिपेयर नहीं रहते हैं। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, इस मैप में आप देख सकते हैं ये यारलुंग ज़ेंगबो रिवर जो है अलग अलग जगहों पे यहाँ पे डैम बनाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे डागु डैम हो गई, ज़ेक्सो, देन ज़ेंगमो, ज़ियासा, ये सब डैम आप देख सकते हैं, 4 डैम्स बनाए हैं। और यहाँ पे जो नामचा बरुआ जो हिल है इस एरिया में भी एक डैम बनाने की काफी बात हो रही है। तो यहाँ से डैम बनाए कि ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल किया जा सकता है, और जब मान लीजिए कि पानी को छोड़ दिया अचानक, तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी जब आएगी यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया काइंड ऑफ डिक्लाइन स्टेट में है, तो ये पानी सीधा आके नॉट ओनली अरुणाचल, यहाँ पे आसाम या फिर भूटान या फिर ऐसे जगहों पे जो है फ्लड क्रिएट कर सकती है। तो यही जो है हम लोग को रेनी सीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत कुछ चीजें यहाँ पे प्लान करनी होगी, दोनों ही देशों में को आपस में बात करने होंगे, बिकॉज यही कुछ इलीगल स्ट्रेटेजी चाइना अपना कर डिस्प्यूटेड एरियाज को क्लेम कर सकती है, कि अरुणाचल प्रदेश या फिर जो भी अलग अलग जगह ये अगर चाइना को हैंड ओवर कर दिया जाए तो ये डैम वो उठा सकते हैं। तो ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, डिप्लोमेसी के हिसाब से यहाँ पे बात करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द न्यू डैम जो चाइना कंस्ट्रक्ट कर रही है ओवर द माब्जा जेंगबो रिवर जो तिब्बत चाइना में ही है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।